हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी क्वेश्चन हब में आपका स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे बना कोयला, क्या कोयला कोई रख के गया था जो आज निकल रहा है, और डीजल पेट्रोल कैसे निकल रहा है पृथ्वी में से। आज हम इसी के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जानेंगे कोयला कैसे बना, जो आज निकल रहा है कोयला कैसे बना, कि क्या कैसे निकल रहा है कोयला। तो इसी बारे में हम आप आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों हजारों साल पहले की बात है, जब पृथ्वी पर डायनासोर हुआ करते थे। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि डायनासोर पृथ्वी से कैसे गायब हो गए। एक जो है कि दूसरे ग्रह से एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर आके, बहुत भारी सा एस्ट्रॉयड जिसको बोल जो है कि पृथ्वी से टकरा गया, और वो जैसे कि बहुत ही भारी था एस्ट्रॉयड, पृथ्वी पर टकराने के बाद बहुत ही तेजी से पृथ्वी पर भूकंप आ गया और बहुत से ज्वालामुखी फूट गए, और जिससे कि बहुत से पेड़ पौधे जो जंगल के जंगल, जहाँ पर जैसे कि पहाड़ था वहाँ बहुत जैसे खाई हो गई, और जहाँ समतल जमीन था वहाँ पहाड़ हो गए, यानी कि पृथ्वी का जैसे बहुत ही उथल फुथल आया, जंगल के जंगल ही ऐसे ही दब गए, और बहुत सारे जीव जंतु जो है कि दबकर मर गए। और वही जो है जंगल जो पहले बहुत हजारों साल पहले जो पृथ्वी के नीचे दब गया था, वही अपघटित होकर कोयला बन गया है जो आज खुदाई से निकल रहा है कोयला। और दोस्तों इस तरह से तो कोयला बन गया उसका, और जो मृत जीव जंतु जो मरे थे उसमें बहुत सारे डायनासोर तभी तो विलुप्त हो गया, और जितने भी प्राणी सब मरे गए वो सब अपघटित होकर, और कुछ जो है कि जंगल के जो प्राणी प्राणी थे सब जो है कि मर गए जो जैसे कि आपदा में, वही सब अपघटित होकर इस तरह से जो है कि पेट्रोल और जैसे कि गैस इस तरह इसमें जो है कि कन्वर्ट हो गए धीरे धीरे। बहुत दिन जैसे कि हो जाता है तो धीरे धीरे चट्टाने बन गई उसी की, तो इस तरह से हुआ ये सब। दोस्तों ये तो कोयला इस तरह से बना। अब हम जानते हैं कि गैस और जो है कि पेट्रोल डीजल ये सब कैसे निकलता है। तो दोस्तों ये सब भी पृथ्वी में से ही निकलता है, जो पहले प्रलय आया था उसी से ये सब जैसे कि अपघटित होकर अब ये जो है कि डीजल पेट्रोल और नेचुरल गैस में बदल गया है। तो दोस्तों जब पृथ्वी में से हमको जो है कि डीजल पेट्रोल या गैस निकाला जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, जो यहाँ पर यहाँ तक तो ये जो है कि पेट्रोल डीजल ये सब एक में ही मिक्स रहता है सब। इसका बाहर निकालकर शोधन किया जाता है, अभी हम आपको बताते हैं इसको। पहले यहाँ पर जो यहाँ तक तो जो ये पानी की जो लहरें दिख रही हैं, ये क्या है, पेट्रोल डीजल केरोसिन ऑयल वैसलीन जो होता है डामर सब कुछ इसी में से निकलता है। और जो दोस्तों इसका इन्वायरमेंट होता है वायुमंडल, यानी कि जहाँ पर गैसें पाई जाती हैं वहाँ से नेचुरल गैस हमको प्राप्त होती है। इस तरह से हम इसमें पाइप डालकर नेचुरल गैस यहाँ से निकाल लेते हैं, और फिर एक पाइप ऐसी होती है जो कि और वहाँ नीचे तक डाला जाता है, तो इसमें से ये डीजल पेट्रोल मिट्टी के तेल वैसलीन और डामर निकलता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसके बारे में कि आखिर क्या होता है, कैसे ये सब इसमें से अलग किया जाता है। तो यहाँ से जब इसको निकाला जाता है पेट्रोल और डीजल को, ये सब एक में मिक्स ही रहता है, पूरा जैसे मिला हुआ रहता है। तो सबसे पहला जो इसमें शोधन किया जाता है, सबसे पहले जो निकलता है वो जो है कि पेट्रोल जो निकलता है जो नंबर एक पर जो पेट्रोल निकलता है उसको हम जहाज़ों में डालते हैं, एकदम प्योर पेट्रोल होता है, एकदम शुद्ध होता है। और फिर जो दूसरे नंबर पर निकलता है पेट्रोल, जो पेट्रोल दूसरे नंबर पर निकलता है इसको कार या मोटरसाइकिल में डाला जाता है। और जो दोस्तों ये जो पेट्रोल होता है इसको अगर आप लेकर ऐसे किसी भी कंटेनर में आप इसको अगर रखेंगे तो ये 2-3 मिनट बाद जैसे कि उड़ जाएगा। दोस्तों जो भी जैसे कि पदार्थ जितना ज्वलनशील होता है उतना ही हल्का होता है। आप इसको यहाँ पर अगर नेचुरल गैस देखेंगे तो ये भी जैसे कि आप देखे होंगे गैस तुरंत उड़ जाती है, और पेट्रोल जो शुद्ध पेट्रोल होता है वो थोड़ा टाइम लेके उड़ जाता है। और जो दूसरे नंबर पर जो पेट्रोल निकलता है बाइक और कारों में डाला जाता है, वो भी अगर आप खुले में छोड़ देंगे तो 1-1.5 घंटे बाद वो भी उड़ जाता है। तो दोस्तों फिर तीसरे नंबर पर आता है वो होता है डीजल।
जब इसका शोधन किया जाता है इसको निकाल के, तीसरे नंबर पर डीजल निकलता है जो कि इंजन उंजन और बसों ट्रकों में डाला जाता है। और फिर इसके बाद जो चौथा नंबर इसका निकलता है वो निकलता है केरोसिन ऑयल, जिसको मिट्टी का तेल बोला जाता है। तो तीसरे चौथे नंबर पर क्या निकलता है, केरोसिन ऑयल। फिर इसके बाद पांचवें नंबर पर जो निकलता है वैसलीन। आप लोग जैसे कि ठंडी में देखे होंगे जो वैसलीन होती है ओठों पर, जिसको लगाया जाता है जब ओठ जैसे कि फाटने लगता है, चेहरे पर भी उसको लगाया जाता है, तो वो वैसलीन भी जमीन से ही निकलती है। जो पांचवें नंबर पर वैसलीन निकलती है ये भी जमीन से ही निकलती है। तो दोस्तों इसके बाद जो छठवें नंबर पर निकलता है, इन सब का कचरा होता है, तो वो क्या होता है, डामर होता है। डामर यानी कि इससे जो सड़क बनाया जाता है। तो दोस्तों जो जमीन से यहाँ पर पदार्थ जो निकलता है इसके सभी भाग का इस तरह से उपयोग कर लिया जाता है। डामर से रोड बनाया जाता है, बाकी हम आपको इस तरह से इसको समझा दिए हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय माता दी।